Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start part 20 of the chapter number 4, जिसमें आज हम exercise 4.4 का question number 3 इस वीडियो में कवर करेंगे. So जल्दी से start करते हैं, open your books with question number 3 and also make sure to subscribe the channel. So your first question is, Irfan says that he has 7 marbles. So सबसे पहले यहाँ हमारे पास एक बच्चे का name है Irfan, जो बोल रहा है उसके पास कितने मार्बल हैं, 7, मोर देन मतलब प्लस, फाइव टाइम का मतलब 5 मल्टीप्लाई द मार्बल परमीत है. अभी परमीत के मार्बल हमें नहीं पता, सो हम यहाँ पे एक बार ही फिल अप कर देंगे. ओके, सो परमीत का आगे देखते हैं, कुछ दिया हुआ है क्या, इरफान है 37, नो नहीं दिया हुआ, सो हमें परमीत का क्या करना पड़ेगा, लेट, जो हम लेट कर लेंगे P, मतलब जो इरफान है उसके पास परमीत के 5 गुना से 7 ज्यादा है, मतलब 7 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमीत, 7 मोर देन 5 टाइम ऑफ परमीत. वेरी सिंपल. एंड इरफान के आपको 37 मार्बल भी दे रखे हैं, इट मींस दिस इज इक्वल टू 37. सो सिंपली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू 37. या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 5 पी इज इक्वल टू 37. एंड जो P है वो क्या है, परमीत के मार्बल है. ठीक है, सो अब जो ये 7 है, देखो इस साइड पे हमारा एडिशन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. सो 37 माइनस 7, नाउ 5 P इज इक्वल टू 30. अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 30 डिवाइडेड बाय 5. Now P is equal to 6. So परमीत के मार्बल क्या आ गए, 6 मार्बल. वेरी इजी, तो परमीत का पूछा था, हमने निकाल दिया कि जो P की वैल्यू है वो क्या है, 6 है. इट मीन्स परमीत के पास इस टाइम कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स. ओके, सो दिस वॉज योर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. लक्ष्मीज फादर, सो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें लक्ष्मी के फादर के बारे में. लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड इज इक्वल टू 49. लक्ष्मी के पापा कितने साल के हैं, 49 ईयर्स ओल्ड. नाउ ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज. और उनकी, लक्ष्मी के फादर की ही आपको एक इक्वेशन दे रखी है, दैट लक्ष्मीज फादर इज इक्वल टू 4 ईयर ओल्डर. ओल्डर का मतलब होता है बड़े, मतलब प्लस. सो 4 ईयर ओल्डर देन, अब देखो स्टेटमेंट चेंज होगी, देन है, सो इट मीन्स ये हमने गलत लिख दिया. जो 4 है वो कहाँ पे आएगा, प्लस के राइट साइड पे, क्योंकि देन आ गया, देन फ्रॉम, ये सब स्टेटमेंट उल्टी कर देते हैं. थ्री टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई लक्ष्मी एज. सो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट लक्ष्मी एज इज इक्वल टू एल. ओके, सो लक्ष्मी के फादर की एज 4 टाइम मोर देन 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी एज, मतलब 3 टाइम ऑफ एल. सो ये दोनों लक्ष्मी के फादर की हैं, सो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं. सो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाई एल प्लस 4 इज इक्वल टू 49. या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 एल प्लस 4 इज इक्वल टू 49. सो ये 4 इज हमारा यहाँ पे प्लस का है, राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा जी माइनस, माइनस करके ये बन जाएगा 3 एल इज इक्वल टू 45. अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. इट मीन्स जो एल है, एल की वैल्यू है वो क्या आ गई, 15. जैसे हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्मी की एज है वो कितनी है, 14 ईयर ओल्ड. सो जो लक्ष्मी है वो कितने साल की आ जाएगी जी, 15. सॉरी यहाँ 15 है, मैंने गलती से 14 बोल दिया था. ओके, सो लक्ष्मी की एज क्या आ गई, 15. वेरी इजी. देखो आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान से सुनना, थोड़ी बड़ी है. पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन. सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर. अभी देखो आपको दो तरह के ट्रीज दिए हुए हैं, एक तो फ्रूट और एक नॉन फ्रूट. ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन पता लग गया हमें अब तक. नाउ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन, नॉन फ्रूट की इक्वेशन दे रखी है, लिखो फटाफट, 2 मोर देन. अब मोर देन है तो 2 प्लस की दूसरी साइड पे जाएगा, इट मीन्स प्लस 2, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई द नंबर फ्रूट ट्रीज. अब फ्रूट हमें नहीं पता कितने हैं, सो हमें ये क्या करना पड़ेगा, लेट, हम इसको लेट कर लेंगे एफ. सो ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई एफ इज इक्वल टू 2.
व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, आपको एफ की वैल्यू निकालनी है. इफ़ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इज 77 प्लस आपको दे रखा है नॉन फ्रूट किसके इक्वल है 77. सो मतलब इक्वेशन क्या बन गई, 3f + 2 इज इक्वल टू 77. सिंपल, अब सॉल्व करते हैं. 2 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस. सो 3f इज इक्वल टू 75. अब 3 मल्टीप्लाई में है, 75 के साथ क्या कर देंगे, इसको डिवाइड. इट मीन्स जो f की वैल्यू है वो क्या आ गई, 25. या हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट ट्रीज हैं वो कितने हैं, टोटल 25. एंड क्वेश्चन में हमें वही पूछा था, ठीक है. सो सिंपली ये भी सॉल्व हो गया थर्ड पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. इस पूरे क्वेश्चन में, इनके पार्ट में आपको कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. कल हम स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.